जयगढ़ और नाहरगढ़ एक ही साइड है। ओए होए 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 होए, ये तो कतई पहाड़ी वाला इलाका है। सही है बॉस। ये देखो व्यू भाई, अल्टीमेट, गजब है भाई, गजब। ओहो यार, ये तो देखने वाला है। अरे यार, खड़ी हो जा मेरी धन्नो। शानदार भाई, वही दिन बन गया यहाँ तो आके। तो दोस्त अभी आ गए हैं हम लोग, नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। कुछ ऐसा सामने व्यू है, वो देखो कैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी हुई है। यहाँ की वॉल जो दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। और वो रहा आपका जल महल, ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है जल महल का। और कुछ इधर है भाई साहब, कितना सही है यार, पूरा जयपुर किले पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार। इधर भी कुछ है, किला विला है क्या है। और ये ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट है, अभी हम लोग जाएंगे, मिलते हैं आगे। आप किधर जाएं? जयगढ़ फोर्ट, चलो जयगढ़ चलते हैं। एक मिनट कॉल कर लेता हूँ। नो सिग्नल क्षेत्र है भाई ये। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग अंदर आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के। कुछ ऐसा शानदार नज़ारा है। हेलमेट बाबू सही से बैठे रहना, अभी तुम मेरे सिर पे नहीं हो। अरे यार, मैं काम करो, मेरे सिर पे ही आ जाओ, ज़्यादा अच्छे लगोगे तुमसे, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हम। तो मेरे सिर की शोभा बढ़ाओ, कैरियर की नहीं, कैरियर तुम दोबारा लगवा लेंगे। दिख रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ? सनसेट व्यू पॉइंट है यार ये, इतना सुंदर है यार व्यू, देख रहे हो भाई साहब, सनसेट का वेट कर रहे हैं अब। Thank you.
क्या अजीबोगरीब चीज़ है, इसमें बीच में शीशा है, उधर वो मिरर है, बाकी खाली है, और एक वो सामने मिरर है। देख लो मैं दिख रहा हूँ वहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं, वहाँ से व्यू मिलेगा। मंकी मानव कुछ ऐसा ऊपर का व्यू। फाइनली जगमग जगमग होने लगा है सब। हाँ तो दोस्तों, कहते हैं ना ट्रिप पे और कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर वही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैंने कैमरा का जो टाइम लैप्स मोड था वो मैंने चेंज नहीं किया, और वापसी की पूरी वीडियो मैंने टाइम लैप्स पे ही शूट कर दी। खैर कोई बात नहीं, नाहरगढ़ फोर्ट से मैं उतरा। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा जंगल वाला एरिया था, लगभग मुझे 45 मिनट्स लगे उतरने में, बहुत ही पिच डार्क था। जैसे तैसे मैं वापस आया, उसके बाद मैं जयपुर के ट्रैफिक से हसल बसल करके फिर मैं पहुँचा पत्रिका गेट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हाँ तो दोस्त, ये है आपके सामने मशहूर पत्रिका गेट। पता नहीं उसमें वाइट वाइट दिखता था, यहाँ कुछ अलग ही गेट है ये। जो भी हो अच्छा है, ये ऐसा कुछ है भाई। हाँ तो भाई हमारी हालत हो गई है टाइट, बिल्कुल कम नहीं बची है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं बस। ओ भाई, तो दोस्त आज है डेट 12 मार्च और टाइम हो रहा है 2:41, और ये कुछ होटल है हमारा, ठीक ठाक था रेलवे स्टेशन के सामने। बाकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, दवा ववा खाई थी, फ़िलहाल सही है। अब आगे जा रहे हैं राज मंदिर सिनेमा हॉल, वहाँ मूवी देखेंगे शैतान जो आई है अजय देवगन की। उसके बाद फिर स्ट्रीट फूड है, वहाँ जाके खाएंगे। धूप बहुत तेज़ है भाई, टैनिंग का जब हो रखी है। चलिए मिलते हैं आगे आपसे, अब इससे बात करते हैं। राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मुझे लग रहा है कल जो है ना ठंडी लग गई वापस आने में, एक तो थकान भी ज़्यादा हो गई और फिर मैंने खाली टी शर्ट पहनी थी तो उस वजह से हवा लग गई होगी, और टी शर्ट भी ये वाली ऐसी है कि हवा जाती है अंदर, तो रात में हल्का सा तो भाई ठंडा ना भी हो तो हवा लगने का मतलब है भाई वो अंदर ही अंदर से हो जाता है। फिर मैंने खाना जो खाया था रात में चिकन एक जगह से लेके, बहुत ही बेकार था यार, उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी इम्यूनिटी डाउन हुई। तो एक सीख तो मिल गई है मुझे कि भाई अब खाने पर मैं थोड़ा कंप्रोमाइज़ करूँगा, सिंपल सादा ही खाना खाऊँगा, दाल रोटी सब्जी उसी से ही, जहाँ लगेगा प्रोटीन की आवश्यकता है तो वही दाल पीऊँगा। अकेले राइड में यार बहुत कुछ देखना पड़ता है यार। चलते हैं आगे, देखते हैं राज मंदिर। 3:30 बजे का शो है, शैतान मूवी है। लोगों ने कहा है अगर जयपुर आए हो तो राज मंदिर ज़रूर जाओ, क्योंकि बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा थिएटर है, खूबसूरत थिएटर में गिना जाता है। तो लेट्स सी। ओह हो, ये देखो भाई, देखो कबूतर इतने पास से, कबूतरों को कभी देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं। कितना खाना है, कितना खाएंगे, इसमें भी चुगते हैं, चुन रहे हैं कि कौन सा हमें भुट्टा खाना है। जेके जे ज्वेलर्स, और वो रहा राज मंदिर। स्वागत है दोस्तों राज मंदिर में। टाइम हो गया 2:55, चला जाए आधा घंटा है, शूटिंग शाटिंग करेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए राज मंदिर आपके सामने, और हम आ चुके हैं यहाँ पे, अंदर से भी दिखाते हैं कैसा है। चलते हैं अब। टिकट कहाँ मिलेगा, टिकट देखना पड़ेगा। हाँ तो दोस्त, ये है
जग मंदिर बता रहा हूँ, राज मंदिर, ठीक है, सिम डिज़ाइन बनी हुई है कुछ ऐसे, हम हैं, दिख रहा होगा आपको, पॉपकॉर्न वगैरह भी है, देखते हैं क्या है यहाँ काउंटर पे। हाँ हाँ, बाउंटी यार, मेरी फेवरेट बाउंटी लेता हूँ मैं। क्लियर वाटर, कॉफ़ी, पेटीज, व्यू तो अच्छा है। अभी ऊपर से जाके देखते हैं वहाँ पे जो है उस जगह पे, यहाँ कुछ गेम है क्या, यहाँ पे ये है कुछ खाया जाए क्या, वो मेन्यू लगी है भाई देखो। अच्छा तो ये देखो, ये वाले वो गेट्स हैं मूवी थिएटर के, और ये ऑडिटोरियम बीच का है, अंदर मेन ऑडिटोरियम जो है अंदर है, वो अभी देखेंगे चल के कैसा है। फिलहाल ये है ऊपर, यहाँ पे भी कुछ है भाई। हाँ टू भी है, एक साल तक देखो। थर्ड मोस्ट एंजॉयबल मूवी थिएटर। मैंने बर्गर ऑर्डर किया है यहाँ पे, खा के देखते हैं कैसा है, बताएंगे खाने का टेस्ट। हाँ तो दोस्त, ये कुछ बर्गर की हाल है, टेस्ट किया है, ओके है, मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 out of 10। अरे वाह, हाँ भाई है व्यू भाई, लाइट जली है। तो दोस्त, लाइट जलने के बाद कुछ ऐसा भी हुआ है, जब मैं एंटर किया था तो लाइट नहीं जल रही थी, तभी थोड़ा डल डल सा लग रहा था, मैं उतना मतलब जिस तरह से तारीफ सुनी थी उस तरह से मुझे लगा नहीं था, लेकिन फिर अब जब जला है ना तो इट्स लुकिंग नाइस। ये देखो, अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। हेलो, हाय, हाय। ये है टॉप व्यू दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे ऑडिटोरियम के अंदर, कुछ बाहर से ऐसा व्यू था। और ये अपना W2ZZ है, W29 है अपना, प्रीमियम में, प्रीमियम तो उधर है। ओ भाई बंद हो गया, ये तो बंद हो गया, बंद हो गया, भागो भागो जल्दी, ट्रेलर्स देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ओए लाइटें बंद हो गई कुछ ऐसा है अंदर से, ऊपर वो बॉक्स वाला बना है, मूवी हो गई है शुरू। देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, कोशिश करना सीट बीच में हो और आगे हो, नहीं तो ऊपर जाना। कुछ ऐसा व्यू है थिएटर का, अरे वाह, कर्टन्स भी गिरते हैं देख रहे हो ऐसे। एक छोटी सी सलाह रहेगी दोस्तों, ये जो स्क्रीन है ना ये कर्व है, और जो मेरी सीट है इस वक्त देखो W29, तो यहाँ पे बैठ के ना एकदम कोने वाला वाइब फील आ रहा है, सबसे बढ़िया सीट होगी आपकी वहाँ पे, क्यों और वो में बीच में आप बैठो तब बढ़िया दिखेगा, इधर एकदम कर्व स्क्रीन पे। वो बाकी ऊपर है ऑडिटोरियम, वहाँ पे वहाँ आगे लेना चाहो वहाँ ले सकते हो, वहाँ मैंने नहीं लिया, 400 का टिकट था, यहाँ मुझे 170 का पड़ गया खाली, तो बजट को भी देखना रहता है भाई, बाइक ट्रिप पे निकले हैं। खैर ये भी अच्छा है, यहाँ पे ऊपर से ना स्क्रीन छोटी दिखती है, जैसे मेरे वहाँ लखनऊ में नॉवल्टी वैसा, इसलिए यहाँ लिया मैंने। हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं, मसाला चौक जा रहे हैं, इस जगह का नाम है राज मंदिर,
भाई हॉल तो गजब का है, लेकिन जो मूवी देखी ना यार, लिटरली यार मूवी बस जोक, बिल्कुल घटिया मूवी थी भाई। ये देखो ये लगी है मूवी शैतान भाई, पता नहीं तांत्रिक विद्या को दिखा रहे हैं क्या, मूवी क्या हो गया है भाई। जनता को कुछ तो ऐसा दिखाओ जो देख के लगे कि हाँ कि समथिंग इज गुड, बिल्कुल मूड ही ख़राब हो जाए ऐसा कुछ देख लो। तो थोड़ी अब तबीयत सही लग रही है, नासाज हो गई थी दोस्तों, अब फ़िलहाल अच्छा है भाई। मूवी तो मैं झेल गया यार, मैं सोचा था कब ख़त्म हो, 3 घंटा यार कब मैं निकलूँ यहाँ से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था यार क्यों आ गए। हॉल देख के बस कुछ होता ना, खाली हॉल देख लो तो भाई लोग मूवी देखे ही ना, हॉल देख के चले जाए, और यही सही भी था भाई, काश यही होता। लेकिन खैर कोई नहीं, सब मेरे हिसाब से थोड़ी होएगा। ये देखो भाई दोस्त, ये है नेशनल म्यूजियम संग्रहालय, और यहाँ कुछ लोग हैं देखो, और हमारी बाइक देखो, फोटो खिंचाया जा रहा है बाइकों के साथ। अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि टाइम हो गया है, निकलना भी है सुबह, आगे वहाँ भी जाएंगे राइड लेने, वहाँ मिलते हैं। फिलहाल कुछ ऐसा सीन है, अभी फोटो वोटो चालू यहाँ पर। क्या करते हो, पढ़ाई कौन से क्लास में? मैं नहीं, 8 पढ़ो, पढ़ाई करो, फिर बाइक लेना, फिर घूमना हमारी तरह। हाँ देखना, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डाली है मैंने अभी। हम तो बहुत जगह घूम लिए हैं। हाँ चल रही है, आ रहे हो तुम लोग भी वीडियो में आओगे देखना। चलो बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है बाय। देखना वीडियो और दिखाना सबको, ठीक। अब थोड़ी सी तबीयत हमारी सही हो गई है, अब अच्छा भी लग रहा है, और आगे देखते हैं। यहाँ तो कुछ अच्छा अच्छा सीन दिख रहा है, लेकिन मसाला चौक पे स्ट्रीट फूड का नाम सुना था, यहाँ तो मुझे कहीं स्ट्रीट फूड नहीं दिखा। ये देखिए हिज हाइनेस राजा राजेंद्र सिंह महाराज, राजेंद्र सिंह महाराज की मूर्ति है ये। बाकी ये कुछ कुछ थोड़ा सा राजपथ जैसा नहीं लग रहा है आपको, जो हमारी दिल्ली में है, दिल्ली का राजपथ जैसा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं। क्या व्यू दिख रहा है भाई सामने से, शानदार एकदम। देखो थोड़ा सा यार मेरा लेंस का जो कवर है वो स्क्रैच हो गया है, प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करिएगा, मैं कवर हटा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है क्योंकि अभी ट्रिप पे बहुत लंबा जाना है, मैं इसको घर जाऊँगा तभी चेंज कराऊँगा, और उसकी वजह से आई नो थोड़ा फुटेज क्वालिटी डाउन हो जाएगी, बट क्या कर सकते हैं, रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना, इतना महंगा कैमरा है यार। थोड़ा यार आप लोग सब्सक्राइब वब्सक्राइब करो यार, पैसा ऐसा आए तब थोड़ा और कैमरा लिया जाए, एक आध लगाया जाए, फिर और अच्छे से घूमेंगे क्यों। तो आप ही लोग तो यार थोड़ा सपोर्ट करो। बाकी आपके सामने है व्यू, देखिए शानदार एकदम जबरदस्त। यहाँ क्या है, मसाला चौक ये है, अच्छा अब समझ में आया मुझे। आई थॉट मसाला चौक इधर है, ये है क्या, अच्छा टिकट 10 रुपये होगा। तो गाइस ये है मसाला चौक आपके सामने, 10 रुपये की एंट्री फीस है यहाँ पर। अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कैसा क्या है।
क्यों, पहले तो अपनी धनों को पार कर ले। हाँ तो दोस्त, मसाला चौक आ चुके हैं और कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने में तो सही लग रहा है यार। इधर से दिखाते हैं, इधर से कैमरा स्क्रैच हो गया है क्योंकि क्या क्या है एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। इधर थाली मिल जाएगी, विदेशी पंजाबी फूड, बताशे पानी के बताशे, रबड़ी फालूदा, गोल्डन टाइम। हाँ तो भाई अब क्या खाया जाए, बड़ा कन्फ्यूजन सा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। टिक्की चाय तो पीनी है, लेकिन चाय यहाँ की मज़ेदार नहीं होगी भाई। चाय तो बाहर की जैसे कुल्हड़ वाली होती है ना, वो उसमें मज़ा आती है। कुछ खाते आते हैं। अरे आंटियाँ, मेरा ब्लॉग ख़राब हो जाएगा। दिन में बोलो यार, दूसरे भी हैं यहाँ। ए यार बिल्कुल किटी पार्टी में बैठ गए हम। आई थिंक आई वॉन्ट टू ईट पाव भाजी। क्यों, क्या कहते हो, पाव भाजी खाते हैं। चलो, बहुत टाइम भी हो गया पाव भाजी खाए हुए। सो इट्स डिसाइडेड, वी विल हैव पाव भाजी। चलो देखते हैं क्या क्या है भाई। बस पाव भाजी। पाव भाजी। कैमरा कितने का है यार भाई साहब? हाँ यार, महंगा है कैमरा। फिर भी कितने का है? 55,000। महंगा भाई, हमारे तो महंगा है। सब है, लाइव नहीं है, मतलब वीडियो बन रही है। हम आए हैं लखनऊ से बाइक राइड पे, अब जाएंगे उदयपुर। तो भाई कुछ खिलाओ यार, बढ़िया पाव भाजी वगैरह। पाव भाजी का टाइम आ गया है, देखते हैं कैसी है। बस यार ये पेट हमारा संभाल रहा है क्योंकि कल राइड पे निकलना है लंबी। नाइस, पाव भाजी कभी ख़राब लगती ही नहीं यार। लेकिन अपनी हज़रतगंज की बॉम्बे पाव भाजी जो है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है भाई आज तक, साफ सीधी बात। चलो मैं एंजॉय करता हूँ पाव भाजी, आप लोग वीडियो एंजॉय करो, बताना। तो दोस्तों मसाला चौक से निकल गए हैं, बहुत नाम इसका सुन रहे थे लोगों से। हालांकि जब मैं आया तो कहते नहीं है कहावत है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हाल। भाई साहब वही वाला सीन हुआ मेरे साथ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ ये है साफ़ सफाई है। अब अकेले के लिए मैं क्या ही एंजॉय करता, अब जैसे 5-6 लोग हो तो काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड्स है, सब अपना अपना ऑर्डर करके मस्त साथ बैठ के खाओ वाला सीन है। लेकिन भाई हम तो सोलो हैं तो कुछ तो कमियां तो रहती ही हैं, अब क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फेस दैट ना। कह रही है देखो नेशनल म्यूज़ियम, रात का सीन एकदम एपिक, शानदार, बेहतरीन। ये देखो अंदर भी जा रहे हैं लोग, उधर से थी एंट्री लेकिन मैं गया नहीं हूँ, तो कहाँ क्या करूँगा जाके, वही सब है। और ये रहा राज मंदिर आपके सामने दोस्तों, एक और शो चल रहा है। ये देखो एक्सपीरियंस द एक्सीलेंस। और ये रहा छोटा हाथी, ऊँट और घोड़ा। और ये रही बारात। अबे दो दो दूल्हे क्यों हैं यार भाई, राजस्थान वालों कुछ बताओ यार, ऐसा क्यों है। अब ये नहीं पूछा मैंने उससे कि दोनों की शादी एक से है या दोनों अलग अलग हैं। हम भाई अननोन भी था बंदा, क्यों पूछे ये सवाल। तो भाई अब सस्पेंस वही रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, एक से भी हो रही हो तो क्या है भाई, स्कीम आगा मजा ही मजे। अबे भाई क्या ही हो रखा है। कोई नहीं भाई, सस्पेंस अच्छा हुआ है।